हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? सो आज हम जो कोड कर रहे हैं वो है BHIC 132, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम C300 to 1206। इसका क्वेश्चन, इसका जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, विच मीन्स आपके पास, आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे 20 20 मार्क्स के। हर क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का करना होगा। सो उसी के हिसाब से आपको अपने आंसर लिखने हैं और उसी के हिसाब से पढ़ना है कि आप एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का लिख सकें। 20 मार्क्स का मतलब आपके 3 to 4 पेजेस बहुत आराम से होंगे। और हिस्ट्री में क्या होता है कि आपकी विद हेडिंग्स होती है, क्योंकि हिस्ट्री में हेडिंग्स होती ही है ना, तो ठीक है, उसमें आपकी विद हेडिंग, आप ये नहीं है कि पूरे पैराग्राफ में एक कहानी सी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर हेडलाइन और प्रॉपर पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हम क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं, द राइज ऑफ गुप्तास। इसमें आप लिखेंगे कि जैसे आप सौमद्र गुप्ता के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेंशन लिख देंगे कि कैसे गुप्तास का एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद आप कंसोलिडेशन के बारे में लिख देंगे जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है। तो आप अपना एक प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद उसमें पॉइंट्स देंगे, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसको पॉइंट्स में लिखें ना कि पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास। इसमें आपका आ जाएगा किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अदर्स, आर्मी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। क्वेश्चन नंबर 3, द चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन नॉर्थ इंडिया। इसमें भी आपका गुप्ता का आएगा कि पोस्ट गुप्ता में आपका क्या क्या चेंज हुआ था पॉलिटिकल सिनेरियो नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेंटर आए थे, डिक्लाइन ऑफ पाटलिपुत्र भी इसी टाइम पर हुआ था, ठीक है, ये सब आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइज ऑफ चालुक्यास, पल्लवस एंड द पांड्यास। इसमें आपको इन सब के ब्रीफ में बताना है, इन सब के बारे में बताना है, इन सबको कैसे मतलब फेम मिला, कैसे ये सब राइज हुए, इन सब का आपको बताना है अलग अलग करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द चालुक्यास ऑफ बदनमी, बदामी। क्वेश्चन नंबर 6, द छोलास, ठीक है। ये सब आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और 20 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आपको वैसे ही इसका सब कुछ याद करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन द कदम्बस। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमी। इसमें आपको लिखना है इकोनॉमी जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में उसमें दी हुई है प्रॉपर, ठीक है। तो क्या इकोनॉमी रही थी, क्या चेंजेस आए थे, पहले से क्या चेंज हुआ था, क्या नया सिस्टम आया था, पुराना सिस्टम जो हट गया था। तो इसमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको पूरा इकोनॉमी के ऊपर बताना है, और इसमें ना पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, बिकॉज ये जो आपके कोई जोन से भी क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट गुप्ता पीरियड। क्या क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, क्या चेंजेस हुए, ये भी पोस्ट गुप्ता पीरियड। देन मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म राजपूत। इसमें आपका सब कुछ राजपूत के बारे में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ राजपूत, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर टेबल वगैरह दे रखी है, वो सब आपको याद करना है, क्योंकि अगेन 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें पूरा डिटेल में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रकूटा एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एम्पायर। ये इसी का एम्पायर है, ठीक है, इसमें आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द चाचनामा। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधी। क्वेश्चन नंबर 15, देन क्वेश्चन नंबर 16, जेंडर रिलेशंस। इसमें आपका पूरा जेंडर रिलेशन आ जाएगा, वुमेन्स का और चिल्ड्रन का, वुमेन राइट, चिल्ड्रन राइट, एजुकेशन, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 17, द पुरानिक हिंदुइज्म, ठीक है। इसमें आपका जैसे भी आ जाएगा कि हिंदुइज्म कैसे स्टार्ट हुआ और सब कुछ जो भी इसमें आपके बुक में दे रखा है वो इसमें, ठीक है, और प्रॉपर पॉइंट्स के साथ आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टर्स लेड टू द टर्किश मिलिट्री सक्सेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके इनफ क्वेश्चंस हैं आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आता है। आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको अंदर से छोटा छोटा कुछ पूछेगा, वो आपको प्रॉपर मेन टॉपिक्स पूछता है, एंड दीज आर द प्रॉपर मेन टॉपिक्स। ये आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दो बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन आपको प्रॉपर लिखनी है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। देन अगेन आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, ना कि पूरी एक कहानी या पैराग्राफ बना के। और जितना आप लिख सकते हैं
उतना आप लिखें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और हिस्ट्री में तो और भी ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो अच्छे से पढ़ें समझ के, और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिखें, ठीक है? ऐसे आप करोगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। प्लीज़ गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।